song. Thank you so much for saying that, and yes, you truly said it. And I couldn't have asked for a better debut. I definitely could not have asked for a better debut. I remember when Athan sir told me the story and I heard Ankit sir's song, I was like blown away. I thought that this is going to be the new love anthem. It is such a beautiful song. And Neil sir and Athan sir being so reputed in the industry, and they've been very kind to me. They've really helped me out at every step. And मैं चाहती हूँ कि बस ऑडियंस इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे, उतना ही प्यार जितना हमने इस गाने को बनाने में लगाया है. राहुल, आपका जो डेब्यू आई कैन से लाइक अ नेगेटिव लीड आल्सो इज अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज आप बहुत अनकन्वेंशनल यू नो नेगेटिव रोल में दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सबका, पूरी टीम का, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. और द ट्रस्ट विच अजयन हैड ऑन मी एंड द सपोर्ट विच आई गॉट फ्रॉम नीव, अमेजिंगली entire video was all totally given credit to both of them, because if they would have not been there, I would have not been doing such a great job, you know, in this thing. And really it is amazing video, you should all really watch it, share it, and please leave your love. Rashi ji, bahut amazing gaana hai, bahut achhi melody hai. आज के तो बहुत सारे गाने हमने सुने जो सुपर हिट रहे, इसमें देयर इज अ न्यू एलिमेंट ऑफ इट, तो बताएंगे आप? आशिकी वर्ड से इतने गाने बन चुके हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको निभाना, क्योंकि इतनी बार आशिकी को सुन चुके हैं हम लोग. आशिकी सब को इतनी बार यूज हुआ है, किस तरीके से पेश करना है वो करेक्ट अलग बात थी. इसमें वही बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसके लिरिक्स आए हैं, और धुन भी बहुत कमाल बनी है, और सोने पे सुहागा सूट बहुत तगड़ा हुआ है. ओवरऑल सॉन्ग इज माइंड ब्लोइंग. हम बस चाहते हैं हमने जितना प्यार दिया इस गाने को, आप भी उतना ही प्यार दें, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी. आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू ऑल कैन कनेक्ट समवेयर दैट यस, हम भी इस फीलिंग से कभी जिंदगी में गुजरे हैं, एंड यू फील दैट दिस इज अ सॉन्ग ऑफ बोथ लव एंड पेन. And I really, really hope that all of you all like it and all of you all love it. Sure, normally music videos hote hain, that's just one single and you know, that's it. Here it's an anthology. Chapter first abhi humne dekha hai, abhi do chapters aur baki hain. How excited are you? I am very excited actually, because hum jab chapter one shoot kar rahe the, to because generally kya hota hai ki this, as our director says, a film by Athan Suman. So he wanted to say that music can also have beautiful story behind it. And he was like, what I want to depict is a beautiful story. And uska ek prequel hoga, uska ek sequel hoga, jo ki bahut hi mind blowing hai. Main chahti hu ki aapko reveal kar do, but main kar nahi sakti kyunki mere director mujhe bahut daantenge. But I really hope ki itni twisted aur itni beautiful story hai jo aapko dil se bahut bahut pasand aaye. नील के साथ, अध्ययन के साथ शेयर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, और आपका दोनों से जाना चाहेंगे? अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही हेल्पफुल थे दोनों, और मुझे तो सीरियसली उन दोनों ने बहुत हेल्प किया ईच एंड एवरी सीन करने में, बिकॉज आई वॉज न्यू इन दिस, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उन दोनों का, एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ देम. मैं थोड़ी सी नर्वस थी स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स माय डेब्यू वीडियो, एंड हाउ आई वाज टेलिंग यू दैट इट्स अ ड्रीम डेब्यू फॉर एनीबडी. बट दोनों ने मुझे बहुत ही लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ किड, यू नो, दे वर लाइक, यू नो, जस्ट फ्लाई, वी आर द विंड बीनीथ योर विंग्स. सो दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड आई रियली थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि आई एम वॉट आई वॉन्टेड टू डू, यू नो, दैट गर्ल, शी इज़ अ वेरी वल्नरेबल गर्ल, शी इज़ अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, एंड शी वॉन्ट्स समबडी टू सेव हर. सो मैं उस स्टोरी को सुनते सुनते एक्चुअली उस थॉट प्रोसेस में गई, एंड आई होप कि वो आप हमारे गाने में देख पा रहे हैं कि यू नो नील वॉन्ट्स टू सेव मी बिकॉज ही लव्स मी सो मच. वो एंड में ये भी बोलते हैं कि यू नो मेरे बिना, मतलब उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, और मेरे बिना उनकी जिंदगी अधूरी है. सो आई थिंक दैट आई होप कि ऑडियंस वो कनेक्ट कर पाए गाने. Questions, can talk about the location in the song is very beautiful. We can talk about the location. Yeah, guys, I'm not even kidding. It was 53 to 55 degrees when we were shooting in Dubai. और मैं आपको बता भी नहीं सकती इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी. And आप गाड़ी जो देखते हैं वो convertible है, right? So
there were no nothing. But the whole team, the DOP, the director, the actors, all of us, हमने बहुत ज़्यादा all got burnt and we all हम लोग actually India आके एकदम लाल हो गए थे बहुत मैं अभी भी थोड़ी बहुत लाल आया but क्योंकि आप अपनी क्राफ्ट से और आप जो काम करना चाह रहे हो और आप गाने से इतना प्यार करते हैं तो आपके दिल में होता है that you want to make something purely beautiful out of it and we were like it's okay even if we are sweating yeah we have to give it our all and we did believe me or not when you were shooting you don't even feel these things yeah आपको बिल्कुल धूप नहीं लग रही वो होटल में जाके सर में दर्द होता था बट बाहर तो कुछ भी पता नहीं था सिर्फ एक्टिंग करना है दैट्स इट इट वाज हॉट लाइक एनीथिंग So tell about your look. It's very interesting. I mean, your hair do and anything. Yes, it is. How long it took for you to make this phone? I made it by myself, so that's a big thing. Yes, and I take at least two and a half hours to make it. Looks nice. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.